चलो जी, गेम स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, गेम खेलने का मौका मिला। ब्लैक और वाइट 1485, 1485 है उसकी रेटिंग स्वीडन, और मेरी रेटिंग है 1495 94। 10 मिनट की रैपिड चेस गेम लगाई है, देखते हैं कि क्या कैसी गेम खेलता है। नाइट को मैंने बाहर निकाल लिया, उस प्लेयर ने भी। कैंसलिंग, पॉन का मूव A5, चलें जी। बिशप को मूव किया और उसने नाइट को एक बार निकाल लिया। बहुत अच्छी रेटिंग है उस प्लेयर की भी। ये लें जी, प्यादे के साथ प्यादा कैंसिल, बिशप को यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो ना बिशप ट्रैप हो जाएगा। चलें जी, बिशप को पीछे लिया D7 पे। चलें अभी तक बिल्कुल जो है ना, इक्वल गेम हो रही है। ये लें जी, अभी नाइट को वहाँ से चेंज किया, क्योंकि नाइट जो है ना बिल्कुल प्यादे के उसे पकड़ रहा था। ओ यार, अभी उसने बिल्कुल बिशप और क्वीन अटैक कर दिया है। चलो खैर, कोई बात नहीं। वन पॉइंट उसका प्लस हो चुका है, 3 पॉइंट उसने पकड़ लिए हैं। जी हाँ जी, गेम जो है ना यहाँ पर काफी सोच समझ के खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी बहुत जबरदस्त गेम खेल रहा है। यानी अभी नाइट का मूव किया B4 पे, बिशप का मूव किया E6, ब्लैक बिशप। गेम अभी तक जो है ना बिल्कुल इक्वल चल रही है।
जी, उसने किले को सामने किया, कोइन के बिल्कुल, कोइन को प्रोटेक्ट किया C7 पे मूव करके। जी जी, कोइन ट्रैप। चलिए जी, यहाँ पर इसका एक किला भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी गेम राउंड बाउंड उसकी ओवर हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है सब ऐसा। लेकिन इस गेम में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी मुमकिन है। एक अच्छी मूव यानी वो गेम ओवर साबित होती है। ये लें जी, इसका प्यादा कैंसिल। चलें जी, अभी तक वो गेम जो है ना कंटिन्यू की हुई है, उसने ओवर नहीं की। अच्छी बात है, गेम को एंड तक खेलना चाहिए। अभी यहाँ पर कोई अच्छा सा मूव करके ना गेम ओवर करनी चाहिए। उसका जो है ना मेन पीस वो तो पकड़ा गया है। कोइन का चलें जी, अभी उसकी तरफ जो है ना चेकमेट देते हैं उसको, और गेम ओवर करते हैं। ये गेम ओवर हो चुकी है, 1502।